वालेकुम दोस्तों मैं हूं शमशुद्दीन और मेरे इस चैनल शमुसर ट्यूटोरियल्स में आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम मश्क नंबर दो शर् दो का पहला और दूसरा हिसाब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन को प्रेस करें और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियोस से फ़ायदा हासिल हो तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं तो सबसे पहले इस पहले सवाल को हम हल करेंगे अब देखो अगर डी ई डी ई अगर पैरल है बी सी के तो इनके बाकी दो जिलों की जो नस्बतें हैं वो मसायु होंगे तो मतलब ए डी डिवाइडेड बाई बी डी ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाय ई सी ए डिवाइड बाय ई सी ए डी मालूम करना है बी डी दिया गया यानी सेवन पॉइंट टू ए डी डिवाइड बाय सेवन पॉइंट टू इज इक्वल टू ए कितना है वन पॉइंट एट सेंटीमीटर और ई सी फाइव पॉइंट फोर सेंटीमीटर अब ए डी इक्वल टू वन पॉइंट एट डिवाइड बाई फाइव पॉइंट फोर इन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होते यानी इसके साथ मल्टीप्लाई होते सेवन पॉइंट टू अब देखो ये दोनों पॉइंट ये जो आशार्या है ये ही मुकाम पर है आशार्य के बाद एक मुकाम है आशार्य के बाद एक मुकाम है तो आशार्य कैंसिल करो बटे चौपन अब इंटू सेवन पॉइंट टू अट्ठारह एक अट्ठारह अट्ठारह तीन तो ये हुआ वन बाय थ्री इंटू सेवन पॉइंट टू अब सेवन पॉइंट टू को थ्री से अगर डिवाइड करें तो थ्री वन जी थ्री थ्री टू सिक्स एक बच्चा बारह हुआ पॉइंट थ्री फोर जान टू पॉइंट फोर हुआ तो टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर ये एडी की कीमत है बस यही हमें मालूम करना है। अब इसमें देखो यहां पर ए डी दिया गया है बी डी भी दिया गया है एई भी दिया गया है और ई सी हमें मालूम करना है सेम प्रोसीजर है तो अब देखो डी ई जब बी सी के पैरेलल होता है तो इनके बाकी दो ज़िलों के नस्बतें मसाई होती हैं ए डी डिवाइड बाई बी डी ए डी डिवाइड बाई बी डी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ई सी ए डिवाइड बाई ई सी हमें मालूम करना है ई सी की कीमत टोटाल तो ए डी की कीमत क्या है वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर डिवाइड बाई बी डी की 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए की वन सेंटीमीटर डिवाइड बाई सी अब देखो ये ई सी इसे जरूर ई सी को वन पॉइंट फाइव से जरब दो थ्री अब पॉइंट फाइव सा इसके साथ डिवाइड होगा ई सी इक्वल टू थ्री डिवाइडेड बाई वन पॉइंट फाइव अब देखो इस पॉइंट इस पॉइंट को हमें निकालना है तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं एक अकाई ढाई तो मतलब है इस पॉइंट को जाने के लिए ऊपर वाले को दस ही जरब देना ऊपर वाले को अगर दस ही जरब दे तो इसका जो आशार्य है ये खत्म हो जाएगा अब दोनों को जरब दो तीन दस तीस डिवाइड बाई पंद्रह पंद्रह एक पंद्रह पंद्रह तीस तो टू सेंटीमीटर इसी ई मालूम हुआ अब सवाल नंबर दो में क्या है ई और यब मुसलूर के अजला पी क्यू और पी आर पर दो नुकते हैं पी क्यू और पी आर पर ईरफ दो नुकते हैं मंदर जैल हर एक की हालत के लिए बयान कीजिए कि एफ पैरल टू क्यू आर तो यहाँ पर हर एक की हालत के लिए बयान कीजिए कि ई एफ इज पैरल टू क्यू आर चंद वैल्यूज दे वैल्यूज को हमें नस्बतों में डालना है तो नस्बतों में डालेंगे अगर दोनों निसबतें मसावी हैं तो ये दोनों पैरल है ई एफ और पी क्यू पैरल है अगर मसावी नहीं है तो ई एफ क्यू आर के पैरल नहीं है तो हमें ये बताना है तो चलो शुरू करते हैं तो अब देखो हम मान कर चलेंगे ई एफ क्यू आर के पैरल है तो पी ई डिवाइड बाय ई क्यू पी ई डिवाइडेड बाय ई क्यू पी ई कितना है थ्री पॉइंट नाइन सेंटीमीटर डिवाइड बाय ई क्यू कितना है थ्री सेंटीमीटर अब दोनों का अगर हम डिवाइड करेंगे तो वन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर डिवाइड बाय वन तो ये इसकी निस्बत वन पॉइंट थ्री डिवाइड बाई वन आए अब पी एफ डिवाइड बाई एफ आर पी एफ डिवाइड बाई यफ आर पी एफ कितना है पी एफ है थ्री पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर डिवाइड बाई एफ आर कितना है यफ आर है टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर अब ये दोनों अशारिया कैंसिल होते हैं क्योंकि एक ही मुकाम पर है थर्टी सिक्स डिवाइड बाई ट्वेंटी फोर अब देखो चार छ चौबीस चार नौ छत्तीस तीन तीन नौ ये तीन तीन दो छीन तीन तीन नौ तो ये आया थ्री बाय टू अब देखो यहाँ इसकी जो नस्बत है वन पॉइंट थ्री डिवाइड बाई वन है और इसकी जो नस्बत है थ्री बाय टू तो मतलब ये दोनों नस्बतें आपस में बराबर नहीं है पी एफ डिवाइड बाई दिवा ई क्यू इज नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू एफ डिवाइड बाय आर तो अगर ये दोनों निस्बते आपस में मसावी नहीं है तो ये ई एफ डिवाइड बाय ई एफ क्यू आर के पैरल नहीं हो सकता क्योंकि निस्बते मसावी नहीं है तो यहां पर लिखे ई एफ आर के मुतवाजी नहीं अब सेकेंड देखो इटे ई एफ को क्यू क्यू आर के अगर मुतवाजि साबित करना है तो इनकी निस्बते मसावी हो पीई डिवाइड बाय ई क्यूब पीई डिवाइडेड बाय ई क्यूब अब पीई की वैल्यू फोर सेंटीमीटर है ई क्यू की वैल्यू फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अब ये पॉइंट को अगर हमें निकालना है तो देखना कि पॉइंट के, के बाद कितने नंबर हैं दो है एक है तो इकाई ढाई तो मतलब ऊपर वाले को दस सी जरब दे तो नीचे वाले का पॉइंट यानी अशारा निकल जाएगा अब देखो पाँच दो दस पाँच नौ पैंतालीस अब इसे सी जरब दो, दो चार आठ एट डिवाइडेड बाय नाइन एक हुआ अब उसके बाद में पी एफ डिवाइड बाई एफ आर पी एफ डिवाइड बाई एफ आर पी एफ कितना है एट सेंटीमीटर एफ आर कितना है नाइन सेंटीमीटर तो अब ये डायरेक्ट हुआ एट डिवाइड बाय नाइन और यहाँ भी एट डिवाइड बाय नाइन तो दोनों नस्बतें मसावी है पी ई डिवाइड बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर अगर ये दोनों निस्बते देखो इसकी भी वैल्यूज इसकी एट बाई नाइन है इसकी भी एट बाई नाइन है तो दोनों ये नस्बते आपस में मसावी हैं अगर ये दोनों मसावी हैं तो ई एफ क्या हुआ क्यू आर के पैरेलल हुआ ई एफ इज पैरल टू क्यू आर अब यहां पर देखे सवाल नंबर तीन क्या है सवाल हम तीर के अंदर कहेंगे इनकी वैल्यूज दी गई है पीई डिवाइड बाई ई क्यू पी ई डिवाइड बाई ई क्यू इस नस्बत को सबसे पहले हल करेंगे पी ई -E कितना है पी ई जीरो पॉइंट एट सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ई क्यू कितना है ई e क्यू कैसा निकालना अगर हम पी क्यू में से पी ई -E निकालेंगे तो हमें ई e क्यू हासिल होगा कैसे सी पी क्यू में सी अगर हम पी ई e. को निकालेंगे तो हमें क्या हासिल होगा ई e. क्यू हासिल होगा अब देखो जीरो पॉइंट वन एट डिवाइडेड बाय पी क्यू कितना है वन पॉइंट टू एट माइनस ई कितना है जीरो पॉइंट वन एट अगर हमें 1.28 में से 0.18 को अगर निकालेंगे तो कितना बचा डिवाइडेड बाय 1.10 1.10 अब देखो यहां पॉइंट के बाद दो डिजिट है यहां भी पॉइंट के बाद दो है तो पॉइंट कैंसिल हुआ 18 बाय 110 अब देखो ये दो जाते दो नौ अठारह दो पांच दस दो पांच दस तो नाइन बाई फिफ्टीन उसके बाद में दूसरा देखो पी एफ डिवाइड बाई एफ आर पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर अब इस निस्बत की वैल्यू देखेंगे पी एफ क्या है पी एफ जीरो पॉइंट थ्री सिक्स डिवाइड बाई एफ आर कितना है यफ आर नहीं है यहाँ पर पी आर की वैल्यू है पी आर की ये पूरे कैनी ज़िले की लंबाई दी गई है और पी एफ दिया गया है तो पी आर पूरे जिले में से अगर पी एफ को निकालेंगे तो हमें यार हासिल होगा तो क्या करना पी आर में से पी एफ को निकालना पी आर माइनस पी एफ को निकालेंगे तो हमें यफ आर हासिल होगा जीरो पॉइंट थ्री सिक्स डिवाइडेड बाय अब देखो पी आर कितना है पी आर टू पॉइंट फाइव सिक्स इंटू पी एफ कितना है जीरो पॉइंट थ्री सिक्स इज इक्वल टू अब देखो जीरो पॉइंट थ्री सिक्स डिवाइडेड बाय अब टू पॉइंट फाइव सिक्स में से जीरो पॉइंट थ्री सिक्स को अगर निकालेंगे तो कितने बच्चे टू पॉइंट टू जीरो इज इक्वल टू अब देखो ये दोनों पॉइंट दोनों आशारे कैंसिल होंगे तो क्या बचे थर्टी सिक्स डिवाइड बाई टू ट्वेंटी अब इनको तकसीम करें चार सी चार नौ छत्तीस चार पाँच बीस चार पाँच बीस तो नाइन बाय फिफ्टीन तो दोनों जो नस्बते हैं वो मसावी हैं दोनों नस्बते मसावी तो है तो इससे ये बात साबित हुई कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है तो हम यहाँ लिखे कि पी ई डिवाइडेड बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाय ई एफ आर तो ये दोनों इक्वल हैं तो ई एफ पैरल टू क्यू आर दोस्तों ये दो सवाल तो हल हो गए मशक़ नंबर दो अशर्या दो के दो सवाल हल हुए अलहमदिल्ला अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें कमेंट भी करें वालेकुम